हैं आप? मैं हर्ष राजवर बहुजन समाज पार्टी का वाराणसी मंडल का सेक्टर प्रभारी पूर्व महानगर अध्यक्ष वाराणसी। आज ये किस तरह का प्रेस वार्ता आपने रखा है? ये प्रेस वार्ता जो है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय महासचिव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अकबरपुर माननीय श्री रामचंद्र राजवर जी को पार्टी से जो निष्कासन हुआ है 3/6/2021 को उनके समर्थन में हम बहुजन समाज पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण आज बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। कितने लोगों ने आज इस्तीफा यहाँ पे भी इस इस्तीफा के कड़ी में आज जो वाराणसी जनपद की अजगरा विधानसभा उसमें विधानसभा अध्यक्ष जयसिंह राजभर सेक्टर अध्यक्ष वहाँ के आपके प्रदीप राजभर यहाँ हमारे बगल में बैठे हुए सिंहपुर के प्रधान आदरणीय रेखा राजभर जी इधर हमारे बगल में आदरणीय बाबूजी राम सेवक राजभर जी जो पूर्व में लोकसभा प्रभारी रहे पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर रहे उधर हमारे बगल में बड़े भाई इकबाल हाशमी जी बैठे हुए हैं जो पूर्व में जिला प्रभारी रहे इधर जयप्रकाश पटेल जी जो विधानसभा स्वरूप उत्तरी के महासचिव हैं इधर रमेश राजभर जी बल्ली जी जो यहाँ के वार्ड के अध्यक्ष हैं उधर हमारे तमाम और पदाधिकारी सारे लोग इस बहुजन समाज पार्टी से माननीय श्री रामचंद्र राजभर जी के समर्थन में आज बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। आगे क्या रणनीति होगी आप? आगे की रणनीति माननीय रामचंद्र राजभर जी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश सारे जिलों में चलकर सौर समाज के लोगों से बात करके जैसे समाज का आगे गाइडलाइंस होगा वैसा हम लोग कार्य किया जाएगा समाज। ये चुनाव भी बहुत नजदीक है 2022 का और उसी बीच आप इस्तीफा भी दे रहे हैं समाज हित में और बाबा साहब मान्यवर साहब की बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी में विगत वर्षों से काम कर रहे हैं सारे पदाधिकारी लोग क्योंकि अपनी बात बहुजन समाज पार्टी माननीय श्री रामचंद्र राजभर की द्वारा हम लोग के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बात पहुंच जाती है लेकिन कुछ चंद चलाक लोग द्वारा जो अपने खाली व्यक्तिगत फायदे के लिए पूरे पार्टी को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं मैं निवेदन करना चाहूँ कि बिना बात सुने हुए आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी से आप निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि बिना बात सुने हुए एक पक्ष का उन्होंने माननीय श्री रामचंद्र राजभर जी को पार्टी से बाहर करने का काम किया मैं निवेदन करना बात को उनको सुनना चाहिए एक पक्ष की बात सुन के उन्होंने ये कार्रवाई की उसके खिलाफ सारे लोग एक लामबंद होकर पूरे प्रदेश में हर जिले में आज बहुजन समाज पार्टी से समस्त पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्या ये राजनीति शिकार हुए हैं या मामला कुछ और है? अब पार्टी के जो अंदरूनी कुछ लोग हैं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए वो नहीं चाहते कि पार्टी प्रोग्रेस करे पार्टी सत्ता में आए इसलिए लोग चाहते हैं कि पार्टी खत्म करने कुछ लोग चाहते हैं कि पार्टी खत्म करने काम करें। तो क्या अगर आगे आप लोग बात नहीं बढ़ी तो कोई और विकल्प देखेंगे या फिर इंतजार करेंगे मायावती जी का? हम लोग तो इंतजार कर रहे थे आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का जो बुला के बात करने का काम करेंगी और सही गलत का फैसला हमारे नेता जो सुनाएंगे उसको मान लूंगा लेकिन अपनी बात कहने का तो एक बार मौका तो मिलना चाहिए था। सुनने में आ रहा है कि पहले से कुछ संपर्क में थी सपा पार्टी से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोकसभा में जब गठबंधन था तो तमाम नेताओं का आपस में मेलजोल था लेकिन उसके बाद जैसे गठबंधन टूटा सारे लोग अपने अपने दल का काम करने लगे ऐसी कोई कयास और ऐसी कोई भी बात नहीं थी उन पर गलत आरोप लगाया गया। ऐसी अभी कोई भी बात नहीं है अभी उनका बस उनके नेतृत्व में सारे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता जो कि जमीनी नेता है हर कार्यकर्ताओं को सेक्टर बूथ विधानसभा जिला स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत बाई नेम बाई फेस जानते हैं इसीलिए वो पूरे हर जिले के प्रदेश में चल के सबसे बात करके फिर आगे की रणनीति तय। क्या इसमें सिर्फ राजभर जो समाज के लोग हैं वही इस्तीफा दे रहे हैं कि और अन्य? राजभर सहित सौर समाज के लोग हमारे बगल में भाई बैठे हुए इकबाल हाशमी जी जयप्रकाश पटेल जी तमाम साथी बैठे हुए उधर महेश जायसवाल जी बैठे हैं सौर समाज के लोग इस्तीफा दे रहे हैं न कि राजभर समाज के लोग। 2022 के चुनाव में देखते हुए अब इसको हम किस रूप में ले लेकिन आगामी 2022 के चुनाव में आदरणीय श्री रामचंद्र राजभर जी के नेतृत्व में जो उन्होंने उतना काम किया जनहित में काम किया उनके नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जितने कार्यकर्ता हैं उनके समर्थन में खड़े हैं और आगे भी रणनीति उसी समाज के तहत ही होगी समाज जो निर्णय करेगा उसको सम्मान किया जाएगा। सुप्रीमो का इंतजार कब तक करेंगे? एक हफ्ते से इंतजार ही किया जा रहा है अभी कुछ दिन और इंतजार कर लिया जाएगा सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं हमारी पक्ष सुनने के लिए बात तो किया जाएगा इंतजार करने के बाद रणनीति आगे बढ़ेगी समाज जो तय करेगा उसको हम लोग सारे लोग सम्मान करेंगे।